मगर कोई शिकार अभी तक नजर नहीं आया। हाँ महाराज, समय भी बहुत हो चुका है लेकिन कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा। महाराज, कहीं से शेर की आवाज आ रही है, शायद इन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ बैठा है। आज लावर था, लग तो हमको भी कुछ ऐसा रहा है कि झाड़ियों के पीछे कोई शिकार है। चलो, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसका शिकार जल्दी से करते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। मैंने जानवर के धोखे में तीर चला दिया और तीर सीने में लग गया। मैं तो जंगल में आके आया था, ये क्या हुआ भगवान, ये क्या हुआ? अरे दुष्ट, निरपराध जानवर को मार गए, तुझे आनंद मिलता है? जैसे निरपराध जानवर को दर्द का एहसास होता है जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं, उसी दर्द से जीवन भर तू भी तड़पेगा। तेरा एक कर्म क्षमा के पात्र नहीं है, कर्म से ही छिन गया रावण का सारा राज राजपाट, कर्म से जाता रहा राजा नल का ठाट। तेरे इस कर्म से जाएगा तेरा राजपाट, हाय क्या लिखा है, हाय क्या लिखा है इस मुकी हुई तकदीर में, बांध रखा तो मुझे इस तोर की जंजीर में।
पर आह की प्रकृति है। महाराज के बदले आप मुझे श्राप दे दीजिए, इस पाप की सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूं। यही नहीं हो सकता, मेरा श्राप अटल है, ये टल नहीं सकता। बाबा कोई उपाय जिससे ये श्राप वापस हो सके, और अगर वापस ना हो सके तो इसे ठीक होने का कोई उपाय तो बताइए महात्मा। उपाय है लेकिन बहुत दुष्कर है। ऋषिदेव बताइए उपाय, बताइए, मैं मौत से भी लेकर आओ उपाय करने के लिए तैयार हूं। तो सुन, यहां से दूर बंगाल के खाड़ी में एक सोनपुर की गुफा है, उसमें एक जादुई कटारी और एक चिराग रखा है, उसको जलाने से नेक जिंदा आएगा। उस जादुई कटोरी को देख करके आप उस कटारी को हासिल कर ले। अगर कटारी को हासिल कर लोगे तो जिंद आपका गुलाम हो जाएगा। अगर जादुई कटारी हासिल नहीं कर पाओगे तो वो जिंद तुम सबको मार देगा। तुम्हें इस जादुई कटारी के जिंद को मारना होगा, उसके दिल का खून निकाल करके महाराज को लगाओगे तो उनका ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे हाथों में, इतना बड़ा तो कपड़ा कैसे हो गया। महाराज शांत हो जाइए, महाराज तकदीर में है क्या लिखा कुछ पता होता नहीं, भाग के लिखे को कोई है मिटा सकता नहीं। महाराज चलिए इनका अंतिम संस्कार करें और महल की ओर प्रस्थान करें। चले इनका अंतिम संस्कार करें, चलिए प्यारा।